हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरी चैनल पे। आज हम बनाएंगे कॉम्बो रेसिपी जीरा राइस और छोले। जीरा राइस जो झटपट बन जाए और छोले में डालेंगे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे आपके छोले की ग्रेवी एकदम बढ़िया थिक बनेगी। ये कॉम्बो रेसिपी आप लंच में जरूर ट्राई करें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जीरा राइस की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए लेंगे एक कप बासमती राइस। अब इसमें डालेंगे पानी और इसे अच्छे से 2 से 3 बार पानी में धो लेते हैं। देखिए, चावल को मैंने 2 से 3 बार धो लिया है। अब डालेंगे 1 ग्लास जितना पानी और इसे 10 से 15 मिनट भिगोने के लिए छोड़ देंगे। अब हम एक बर्तन ले लेंगे और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। गैस की फ्लेम ऑन कर देंगे और तेल को हल्का सा गर्म होने देंगे। तड़के के लिए मैंने लिया है 1 स्पून जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, 2 लौंग और 4 साबुत काली मिर्च। थोड़ा पानी डाल के इसे एक बार ढक देते हैं। अब इसमें डालेंगे पूरा 1 ग्लास पानी। आपके राइस में जितना पानी लगता है आप उतना डाल दें। अब डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। मैं 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब डालेंगे हमारे भिगोए हुए चावल। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप अगर प्लेन राइस खा के बोर हो गए हैं तो एक बार इस तरह से जीरा राइस जरूर ट्राई करें। आपको ये पक्का पसंद आएगा। जब तक हमारा राइस पक रहा है, चलिए साइड में छोले भी बना लेते हैं। छोले बनाने के लिए एक पैन ले लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच तेल। छोले मसाले में तेल थोड़ा ज्यादा लगता है। अब डालेंगे 1 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसमें और ज्यादा स्पाइसेस यानी लौंग, काली मिर्च नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी हमने हमारे जीरा राइस के तड़के में डाली है। अब डालेंगे 1 चुटकी हींग और 1 कप प्याज का पेस्ट। प्याज को छोटे छोटे कट करके थोड़ा पानी डाल के मिक्सर में घुमा लिया है। मैंने इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाला है। अब डालेंगे 1 छोटा चम्मच नमक और प्याज को अच्छे से पकने देंगे। उसके बाद ही हम बाकी की चीजें डालेंगे क्योंकि अगर प्याज को जल्दी जल्दी पका के बाकी के चीजें डाल दें फिर हमारे सब्जी में प्याज का कच्चा टेस्ट आने लगता है। अब इसे 1 मिनट ढक के भी पकाएंगे। 1 मिनट बाद देखिए प्याज भी अच्छे से पक गया है और इसमें से तेल भी छूटने लगा है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। प्याज पकने के बाद ही सूखे मसाले डालने से हमारे मसाले जलेंगे भी नहीं और हमारे सब्जी में अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। अब हम डालेंगे 1 कप टमाटर की प्योरी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे 1 से 2 मिनट ढक देंगे ताकि फटाफट टमाटर भी पक जाए। चलिए साइड में रखे राइस चेक कर लेते हैं। ये अच्छे से पक गए हैं, इसे ढक कर साइड पे रख देंगे। देखिए हमारी ग्रेवी भी अच्छे से पक गई है और तेल भी अच्छे से छूटने लगा है। यहाँ पे डालेंगे 1 सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे आपकी ग्रेवी पानी पानी नहीं लगेगी। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच पिसी हुई मूंगफली। यानी मूंगफली को ड्राई रोस्ट करके उसका छिलका निकाल के उसको मिक्सर में पीस लिया था। पिसी हुई मूंगफली आप किसी भी ग्रेवी वाली सब्जी में डाल सकते हैं। इससे ग्रेवी अच्छे से थिक हो जाती है और अच्छा सा टेस्ट भी आने लगता है। अब डालेंगे हमारा मेन इंग्रेडिएंट यानी काबुली चना। चना को रात में पानी में भिगो दिया था और सुबह बस 4 से 5 सीटी लगा दी थी।
अब डालेंगे आधा ग्लास पानी। आपको जितनी कंसिस्टेंसी में ग्रेवी चाहिए आप उतना पानी डाल सकते हैं। अब इसमें जाएगा एक छोटा चम्मच गरम मसाला और ऊपर से डालेंगे फ्रेश हरा धनिया पत्ता। लीजिए, हमारे मसालेदार ग्रेवी वाले छोले भी तैयार हो गए। चलिए इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। पहले सर्विंग प्लेट में डालेंगे हमारा जीरा राइस और जीरा राइस के ऊपर डालेंगे हमारे मसाला छोले। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से नीचे लाइक बटन दबा दीजिए और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।